गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल, अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इज रोटेटिंग इन वर्टिकल सर्कल एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर। कैलकुलेट, यहाँ पर चार वैल्यूज फाइंड आउट करने स्टूडेंट्स हमें। नंबर वन, काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप। ओके, सेकंड, काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम। अब टॉप का मतलब यहाँ पर हाईएस्ट पोजीशन, बॉटम मतलब एट द लोएस्ट पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप, टोटल एनर्जी एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन मतलब मिडवे पोजीशन। ठीक है, तो चलिए एक एक कंप्लीट करते हैं हम सॉल्यूशन। यहाँ पर मास कितना दिया है, 2 kg, m इज इक्वल 2 kg। Is rotating in vertical circle at the end of string of length. String की जो length होगी वही radius of circular path होगी। तो यहाँ पर r, okay, तो r कितना हो गया यहाँ पर 1 meter. No, number one, kinetic energy at the top, मतलब at the highest point, okay. तो kinetic energy का formula क्या होता है, हाफ यम वी एल स्क्वेयर या वी एच स्क्वेयर। तो हाफ इंटू यम इंटू, अब हाईएस्ट पोजीशन पर मतलब टॉप पोजीशन पर वेलोसिटी कितनी होती है, दैट इज रूट आर जी, उसका स्क्वेयर आर जी। तो यहां पर क्या होगा फिर, ये हाफ यम आर जी। ओके, अब इसमें वैल्यूज रखते हैं, हाफ इंटू यम कितना है 2, आर कितना है 1 और जी की वैल्यू यहां पर दी नहीं, तो ऐसे कंडीशन में फिर जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें लेनी है। ओके, तो जी की वैल्यू 9.8, ये 2 कैंसिल, सो दिस इज 9.8 जूल। तो एट द टॉप ऑफ द वर्टिकल सर्कुलर मोशन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इस एग्जांपल में, 9.8 जूल। नाउ सेकंड, काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम, बॉटम का मतलब यहां पर लोएस्ट पोजीशन। तो काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम मतलब हाफ यम वीएल स्क्वायर होगा, हाफ यम। अब वीएल की वैल्यू कितनी होती है, एट द लोएस्ट वेलोसिटीज मैक्सिमम एंड इट इज रूट 5 rg, है ना, तो रूट 5 rg, तो उसका स्क्वायर क्या होगा, 5 rg। So this is 5/2 mrg. तो वैल्यूज रखते हैं यहाँ पर, 5/2 into m 2 r 1 g 9.8, 2 कैंसिल, 5 into 9.8 करना है हमें, तो कितना होगा ये 49 जूल। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट नंबर 3, पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप मतलब एट द हाईएस्ट पोजीशन। तो पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला यम जी एच। ओके, तो यम जी देखिए एट द हाईएस्ट पोजीशन, ओके, सेंटर यहां पर होगा, तो आर प्लस आर, तो टोटल हाइट कितनी होगी, 2 r होगी ना, तो ये 2 r, दैट इज 2 mrg। ओके, अब वैल्यूज रखिए इसके अंदर, 2 × 2 × 1 × 9.8, this is 4 × 9.8, ये कितना होगा स्टूडेंट, 4 × 8 = 32, कैरी 3, 4 × 9 = 36 + 3 = 39, 39.2 जूल ये आंसर होगा, that is potential energy at the top. Now number 4 क्या निकालना है यहाँ पर, total energy at horizontal position. अब लास्ट लेक्चर में हमने ये क्लियर किया कि टोटल एनर्जी एट एवरी पॉइंट, एट एनी पॉइंट अलोंग द वर्टिकल सर्कुलर मोशन रिमेंस सेम, और उसका फॉर्मूला कांस्टेंट होता है, कितना होता है वो, 5/2 mrg, है ना, 5/2 mrg होता है। तो 5/2 × m 2, है ना, r कितना है 1 है, g 9.8, 2 कैंसिल,
तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी स्टूडेंट, 5 × 9.8 मतलब 49 जूल, ये इसका आंसर होगा स्टूडेंट। देखिए काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम कितनी आई थी, 49 जूल, बिकॉज एट द बॉटम पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब उतनी ही टोटल एनर्जी होगी, तो टोटल एनर्जी उतनी रहेगी, दैट इज 49 जूल। ओके, तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल इस तरह से कंप्लीट होता है स्टूडेंट। नाउ सेकंड न्यूमेरिकल देखिए, अ बॉडी ऑफ मास 4 केजी इज रोटेटिंग इन अ वर्टिकल सर्कल एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0.6 मीटर, कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द सर्कल। ओके, तो पहले गिवन डाटा देखिए, मास कितना है यहां पर, m इज इक्वल टू 4 किलोग्राम। ओके, और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ r की वैल्यू कितनी, 0.6 मीटर, और g की वैल्यू यहां पर 9.8 लेनी है हमें। देखिए यहां पर सर्कुलर पाथ, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो ये हाईएस्ट पोजीशन, ये लोएस्ट पोजीशन मतलब टॉप पोजीशन और ये बॉटम पोजीशन। ओके, तो यहां पर हमें क्या करना है कि काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस लेना है। देखिए कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो यहां पर वीएच की वैल्यू हमें पता है कितने होते हैं, रूट आर जी, और यहां पर रूट फाइव टाइम्स है ना, रूट फाइव आर जी, तो वेलोसिटी पता है हमें, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। इसीलिए देखिए काइनेटिक एनर्जी एट टॉप एंड बॉटम, तो मुझे बताइए काइनेटिक एनर्जी कहां पर होगी ज्यादा, जहां पर स्पीड ज्यादा होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो लोएस्ट काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा और टॉप पोजीशन पर सबसे मिनिमम होती है। तो काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पोजीशन माइनस काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप पोजीशन मतलब यहां पर हाईएस्ट पोजीशन, यस लिखेंगे हम राइट। तो इसका डिफरेंस हमें निकालना है। नाउ काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पोजीशन मैक्सिमम होती है माइनस काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पोजीशन व्हिच इज मिनिमम, तो हाफ एम वी एल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी एच स्क्वायर है ना, उनके फॉर्मूलेज होंगे, तो हाफ एम कॉमन निकलेगा इन ब्रैकेट। अब वी एल की वैल्यू है रूट फाइव आर जी, तो उसका स्क्वायर क्या होगा, फाइव आर जी, माइनस वी एच की वैल्यू रूट आर जी, तो उसका स्क्वायर होगा आर जी राइट, तो 1/2 एम इंटू, अब इसका डिफरेंस देखिए, 5 आर जी माइनस आर जी कितना होगा, 4 आर जी, नाउ 2 × 4 तो ये कितना होगा, 2 एम आर जी। काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम माइनस काइनेटिक एनर्जी एट टॉप, ओके, तो ये 2 एम आर जी, तो ये फिक्स है स्टूडेंट, ये फिक्स है, बिकॉज हमें पता है कि लोएस्ट पोजीशन मतलब बॉटम पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 5/2 एम आर जी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी ना, और यहाँ टॉप पोजीशन पर एक पार्ट होता है टोटल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम आर जी, तो यहाँ पर देखिए 5/2 एम आर जी माइनस हाफ एम आर जी, तो डिफरेंस कितना होगा, 4 एम आर जी बाय 2 दैट इज 2 एम आर जी, तो ये फिक्स है फॉर्मूला। अगर आपको न्यूमेरिकल या एमसीक्यू में आता है कि टॉप पोजीशन और बॉटम पोजीशन, ओके, मतलब लोएस्ट पोजीशन और हाईएस्ट पोजीशन के बीच काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा, तो इट इज ऑलवेज 2 एम आर जी, ये फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक्स आप याद रखिए आप, ठीक है, 2 इंटू, अब वैल्यूज पुट अप कीजिए इसमें, एम कितना है 4, आर 0.6, ओके, अब जी की वैल्यू 9.8 है यहां पर, 9.8, तो ये कितना होगा स्टूडेंट, 2 × 4 दैट इज 8, ओके, इंटू 0.6 इंटू 9.8, नाउ 8 × 6 कितना होता है, 48, मतलब ये 4.8 होगा इंटू 9.8, अब इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए स्टूडेंट, तो ये आता है देखिए 47.04, और यूनिट क्या होगा, जूल, मतलब काइनेटिक एनर्जी एट द लोएस्ट पोजीशन माइनस काइनेटिक एनर्जी
एट द हाईएस्ट पोजीशन, इनका डिफरेंस कितना होता है? 47.04 जूल इस एग्जांपल में। ओके, पार्टिकल का मास 4 किलोग्राम, रेडियस कितनी दी है, मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 0.6 मीटर। तो इस एग्जांपल में अगर हम जी की वैल्यू 9.8 लेते हैं तो ये वैल्यू आएगी 47.08। ओके, तो देखिए अब अगर 9.8 की जगह अगर हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये वैल्यू लेते हैं तो राउंडेड ऑफ फिगर मतलब आंसर कितना होगा? ओके, तो यहाँ पर 10 होगा, देखिए तो ये कितना हो गया 44.8 इंटू 9.8 की जगह पर 10 लेना है तो ये कितना होगा 48 जूल, राइट? मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, तो ये 48 जूल और ये 47.04 जूल। ओके, तो आंसर के करीब है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट थर्ड एमसीक्यू दिया है यहाँ पर। अ बॉडी ऑफ मास 1 केजी इज रोटेटिंग इन वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द सर्कल? और जी की वैल्यू यहाँ पर लेनी है स्टूडेंट 10। ओके, तो इजी नहीं, अभी ये न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था। तो लोएस्ट और हाईएस्ट मतलब टॉप और बॉटम के बीच काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस कितना होता है हमेशा याद रखिए आप, इसके बाद 2mRg। तो चलिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बॉटम पर सबसे ज्यादा होती है तो बी यहाँ पर सफिक्स लिखा है, माइनस काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप मतलब टी लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है ये टी। तो ये कितना होगा 2mRg, है ना? तो अब डायरेक्ट इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं इसके बाद, तो 2 इंटू यम कितना है यहाँ पर 1, आर आर भी है 1 इंटू ये 10 लेना है तो कितना होगा 20 जूल होगा, राइट 20 जूल होगा। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर, तो पहले ऑप्शन देखिए कौन सा करेक्ट है, यस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 1 किलोग्राम, रेडियस भी 1 मीटर है और जे की वैल्यू 10 लिया हमने। ओके, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम, ओके, एंड काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप, इनके बीच डिफरेंस कितना होगा 20 जूल होगा, ये 20 जूल होगा। ओके, कब? जब हम वैल्यू यम की वैल्यू मिनिमम मतलब यूनिट वैल्यू 1, रेडियस 1 और जी की वैल्यू तो फिक्स है 10, तो ये इंटू 2 भी कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, 20 जूल तो कॉन्स्टेंट रहेगा। ओके, 20 जूल यहाँ पर कॉन्स्टेंट रहता है। इस एग्जांपल में अगर मास 1 किलोग्राम और रेडियस 1 मीटर है, सपोज रेडियस 1 मीटर है और ये 10 किलोग्राम हो जाता है, तो उस कंडीशन में फिर बॉटम और टॉप कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा स्टूडेंट? यम की वैल्यू 10 लेनी है यहाँ पर तो 200 जूल होगा, यस ठीक है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पर फोर्थ नंबर। अ पार्टिकल ऑफ मास 0.1 केजी is tied at end of a string and whirl मतलब rotated in vertical circle of radius 1 meter at speed of 5 meter per second. Find the tension in the string at the highest point of the path. Okay, तो देखिए यहाँ पर given data mass कितना दिया है 0.1 kilogram, radius 1 meter. Okay, और स्पीड कितनी दी है यहाँ पर, स्पीड इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ मतलब एट द टॉप पोजीशन और हाईएस्ट, तो टेंशन निकालना है मतलब टीएच की वैल्यू हमें निकालनी है एट द हाईएस्ट पोजीशन, ठीक है। तो ये स्पीड फिर कहां पर होगी, हाईएस्ट पोजीशन पर, इसलिए वीएच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। Now, अब देखिए एक जनरल फॉर्मूला टेंशन के लिए, T इज इक्वल टू यम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस यम जी कॉस थीटा, ये है ना जनरल फॉर्मूला एट एनी पोजीशन। तो P सफिक्स यहां पर लिखते हैं, P स्टैंड फॉर एनी पोजीशन P। ओके, तो ये जनरल फॉर्मूला है। अब हमें कंडीशन यहां पर देखिए, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ पर निकालना है मतलब टॉप पोजीशन पर, हाईएस्ट पोजीशन पर, तो हाईएस्ट पोजीशन पर एंगल कितना होता है थीटा 180 डिग्री, बराबर है, ठीक है, हाईएस्ट पोजीशन पर कितना होता है 180 डिग्री। तो फिर फॉर्मूला क्या होगा, फिर पी के जगह पर एच लिखना है, टीएच इज इक्वल टू एम वीएच स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एम जी
कॉस, अब हाईएस्ट पोजीशन पर एंगल कितना होता है 180, तो कॉस 180 डिग्री, तो TH इज इक्वल टू m VH स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, ओके। अब cos 180 मतलब कितना होता है, प्लस 1 या माइनस 1, बिकॉज cos 0 तो प्लस 1 होता है, तो cos 180 क्या होगा, माइनस 1 होगा, तो ये माइनस 1 इंटू mg क्या होगा, माइनस mg, राइट। अब यहां पर वैल्यूज रखते हैं, हमें TH की वैल्यू निकालनी है, तो TH इज इक्वल टू m कितना है स्टूडेंट, 0.1 इंटू VH स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय R कितना है 1 मीटर, माइनस m 0.1 इंटू G। अब G की वैल्यू यहां पर कितने लेनी है स्टूडेंट, तो गिवन नहीं है, इसका मतलब G की वैल्यू लेनी है हमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए जैसे लास्ट MCQ इसमें G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसी गिवन थी है ना, इसलिए हमने 10 ले ली, अगर गिवन नहीं है तो फिर 9.8 वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पर ये 9.8, चलिए इसको कंप्लीट करते हैं, 0.1 इंटू 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाय 1 है, माइनस ये कितना होगा 0.98 होगा है ना, 9.8 इंटू 0.1 0.98, तो TH इज इक्वल टू ये होगा 2.5 माइनस 0.98, तो TH इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 2.5 माइनस 0.98 मतलब सब्ट्रैक्शन 2.5 माइनस 0.98, तो यहाँ पर हम जीरो ले सकते हैं ना, तो 10 माइनस 8 2 कैरी 1 ये 5 हो जाता है, तो ये 1, तो 1.52 न्यूटन इतना टेंशन होगा स्टूडेंट एट द हाईएस्ट पॉइंट, यानी इस एग्जांपल में, तो हाईएस्ट पोजीशन पर टेंशन कितना होगा 1.52 न्यूटन, राइट। नो फिफ्थ न्यूमेरिकल देखिए, अ 1 किलोग्राम स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग एंड इज वर्ल का मतलब रोटेटेड, ओके, इन वर्टिकल सर्कल विद स्पीड 4 मीटर पर सेकंड, If the tension in the string is 6.2 newton, tension दिया है यहाँ पर 6.2 newton, then find the position of the stone. अच्छा यहाँ पर position निकालनी, position of the stone मतलब whether it is at lowest position, middle position या फिर highest position, तो ये position निकालनी है। चलिए पहले given data लिखते हैं यहाँ पर, mass कितना दिया है 1 kilogram, m is equal to 1 kg, ठीक है, उसके बाद लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी है 1 मीटर मतलब रेडियस 1 मीटर, और स्पीड भी दी है ना यहाँ पर v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड, ओके। अब 4 मीटर पर सेकंड जो स्पीड है किस पोजीशन पर दी है, नॉट गिवन, इट इज नॉट गिवन, ओके, तो पोजीशन वही तो हमें निकालना है। अच्छा टेंशन दिया है यहाँ पर, t कितना है, t 6.2 न्यूटन, ओके, तो पोजीशन कैसे निकालेंगे, देखिए ये एक जनरल फॉर्मूला है एट एनी पोजीशन, अगर थीटा हम यहाँ पर पता कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पर निकालते हैं तो फिर पोजीशन हमें समझ में आएगी, जैसे कि अगर थीटा की वैल्यू 0 आ जाती है तो कहाँ पर होगा पार्टिकल, लोएस्ट पोजीशन पर है ना, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आती है तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन मतलब मिड वे पोजीशन होगा, अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री आती है तो फिर टॉप पोजीशन पर होगा, हाईएस्ट पोजीशन पर, या फिर थीटा की वैल्यू अलग भी आ सकती है ना, जैसे 30, 45, 60 डिग्री कुछ भी आ सकती है, तो उस हिसाब से हम पोजीशन निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर टेंशन का जनरल फॉर्मूला ही यूज करना होगा हमें, तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, यस टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ओके, प्लस एम जी कॉस थीटा, तो देखिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते, तो t कितना है यहाँ पर 6.2 इज इक्वल टू m 1 v स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर है ना डिवाइड बाय r 1 प्लस m g, यस m और g की वैल्यू दी है ना यहाँ पर, तो m कितना 1, g 9.1 यहाँ पर भी g की वैल्यू दी है नहीं, तो इसका मतलब हमें 9.8 ही लेना है, इनटू cos थीटा, ओके, तो चलिए कंप्लीट करते हैं इसको, 6.2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, ओके, प्लस 9.8
कॉस थीटा। ओके तो फिर 9.8 कॉस थीटा हम राइट साइड पे ही रखते हैं और ये 16 इधर लाते हैं तो 6.2 माइनस 16 हो जाएगा। ओके अब 6.2 माइनस 16 मतलब दोनों का डिफरेंस क्या होगा, देखिए 16। ओके अब ये माइनस है ना, चलिए 16.0 लेते हैं और ये 6.2, तो दोनों का पहले डिफरेंस देते हैं मतलब और जो डिफरेंस आएगा वो माइनस में आएगा है ना, तो यहाँ पर कितना आएगा 8। ओके 10 माइनस 2 8, तो यहाँ पर एक कैरी हो गया, तो यहाँ पर अब 7, 16 माइनस 7 9 है ना, 9.8। अब 16 ज्यादा है तो उसका साइन डिफरेंस को लगेगा तो माइनस 9.8 राइट इज इक्वल 9.8 कॉस थीटा। अब समझ में आ रहा आपको, देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 9.8 और ये इधर डिवाइड में चला जाएगा 9.8, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट माइनस वन आती है ना। अब कौन से एंगल के लिए कॉस की वैल्यू माइनस वन होती है, कॉस जीरो वन है ना, कॉस 180 माइनस वन, यस कॉस 180 डिग्री के लिए वैल्यू माइनस वन होती है, तो अगर ये कंपेयर करते हैं हम तो देयरफॉर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 180 डिग्री। चलिए देखिए यहाँ पर वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो ये लोएस्ट पोजीशन, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन मतलब मिडवे पोजीशन और दिस इज हाईएस्ट पोजीशन, तो अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है तो एंगल कितना होगा 0 डिग्री, यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट होता है तो एंगल होगा 90 डिग्री, अगर हाईएस्ट पोजीशन पर ऑब्जेक्ट होता है तो फिर यहाँ पर एंगल कितना होगा स्टूडेंट 180 डिग्री। तो मुझे बताइए अब यहाँ पर पोजीशन क्या होगी, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री आ गई ना, तो इसका मतलब देन फाइंड द पोजीशन ऑफ स्टोन, तो स्टोन कहाँ पर होगा, यस हाईएस्ट पोजीशन पर, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, देयरफॉर द पोजीशन ऑफ स्टोन इज एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ। क्लियर स्टूडेंट, राइट ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वन, सिक्स नंबर का यहां पर एक एमसीक्यू दिया है, अ बॉडी ऑफ मास एक्स किलोग्राम, यस एक्स किलोग्राम मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें। ओके बॉडी ऑफ मास एक्स किलोग्राम इज मूविंग इन वर्टिकल सर्कल विथ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड हैज टेंशन 18.8 न्यूटन एट बॉटम, यस मतलब यहां पर स्पेसिफिक दिया है कि कहां पर टेंशन, तो बॉटम मतलब क्या होगा एट द लोवेस्ट पोजीशन है ना, इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस में दिए 1 मीटर, द मास ऑफ द बॉडी इज मतलब x की वैल्यू निकालनी, तो मास कितना दिया है यहां पर x जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ओके और कंडीशन क्या है एट बॉटम मतलब लोवेस्ट पोजीशन पर, लोवेस्ट पोजीशन। ओके बाद में टेंशन दिया है, टेंशन एट द लोवेस्ट पोजीशन मतलब बॉटम कितना 18.8 न्यूटन और रेडियस भी दिए 1 मीटर। ओके चलिए एट बॉटम थीटा की वैल्यू कितनी होती है 0 डिग्री, तो कॉस 0 1 होगा प्लस 1, तो ये फॉर्मूला क्या होगा फिर टी एल मतलब लोएस्ट पोजीशन पर एम वी स्क्वायर, तो यहाँ पर स्मॉल एम देते हैं ना, तो एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर और लोएस्ट पोजीशन मतलब बॉटम यहाँ पर एल सफिक्स लिखेंगे हम और थीटा की वैल्यू 0 होने के कारण कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो प्लस 1 तो एम जी दैट इज प्लस एम जी, ये फॉर्मूला है ना एट द लोएस्ट पोजीशन। फॉर्मूला क्या होता है टेंशन के लिए TL is equal to M VL square divided by R plus MG, तो इसमें वैल्यूज रखते हैं TL की वैल्यू है 18.8 ओके इज इक्वल M X जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो X यहां पर रखते हैं हम M के जगह पर X रखते हैं तो VL दिया है क्या, यस दिया है ना, यहां पर हमने यहां पर नहीं लिखा था तो VL की वैल्यू कितनी है 3 मीटर पर सेकंड, उसका स्क्वायर होगा 3 स्क्वायर राइट,
डिवाइड बाय आर कितना है 1 प्लस एम एक्स इंटू जी की वैल्यू नहीं दिए तो मतलब 9.8 लेनी है। ओके 18.8 इज इक्वल टू, अब 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 इंटू एक्स प्लस ये 9.8 इंटू एक्स। ओके अब दोनों की एडिशन करते हैं तो कितना होगा ये 9 प्लस 9 18.8 एक्स, इजी ना? यस। देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या आएगी 18.8 डिवाइडेड बाय 18.8, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। यस तो मास ऑफ द बॉडी इज 1 किलोग्राम, मतलब ऑप्शन कौन सा होगा स्टूडेंट? यस बी ऑप्शन होगा 1 किलोग्राम, राइट? ओके